तो मैं आपको जो सत्संग दे रहा हूँ आज, ये मैं अपनी एक हालत बता रहा हूँ, जैसे कोई आदमी बताता ना कि भी जीवनी बता दो या इसकी इतिहास बता दो, तो मैं इस ज्ञान की जीवनी बता रहा हूँ आपको कि मेरे को ये ज्ञान कैसे कैसे आया। कोई कहते बस ऐसे कहा, बुद्ध ने ऐसे कहा था, बस गए थे काम हो गया, हम मिल गया, थोड़ा कहा कि देखा कैसे आया तेरा, कि ये ऐसे कैसे आ सकता है यार आदमी, तो आश्चर्य है मेरी ये बात। तो मैं बता दूँ यार, फिर बता दूँ मेरे सत्संग है और मैं स्वामी जी की जीवनी को नहीं बताई कि मैं कैसे किस तरह से बताया, तो जल से लेकर आकर तो मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको समझना। मैंने आपको शुरू से बताया है कि मैं पहले पंडित किशन जी के पास गया, किस ख्याल से गया, वो किताब लिखी हुई इसके तो ज्ञान लिख दिया, फिर उसके बाद ये बेस जो ज्ञान की पूरी भी नहीं की कि कैसे कैसे मिला। तो जैसे मैंने पंडित किशन जी के पास गया, वो आखिरी अंतिम जो अवस्था थी जिससे परमात्मा मिलता है, राम नाम है, उसका डायरेक्ट अनुभव हो गया। अब ये बात सुनने में बताने में कुछ अच्छी नहीं लगती, फिर कैसे हो गया, इतने महात्माओं को इतने तप कराया, जब कराया, बांधने के लिए आज भी चार दिन, तो मिसाल तो देता हूँ वो पूरी समझ चले कि भाई 1,00,000 रुपया कुछ करते तो उतनी करें बेचार कई दिन लग जाते आदमी को, और उसके जन्म वो ही रहता है लखपति बनो लखपति बनो करोड़पति बनो करोड़पति। तो उसके जो उस विचार के अनुसार जगह नहीं है अभी इस लैंड में, अब जो कर्म देखा है उसमें कोई जगह नहीं है पूरी, ये अच्छा ही बुराई अच्छे बुराई खाली जगह नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है वहाँ, तो क्या चीज़ है वो बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जगह जो बताई हो। तो वो पहले नाव की प्राप्ति तो पहले होगी, जो पहले पहले दिन पंडित कृष्ण जी की संगत हो गया, तो उन समाधि लगाई और मैं चुपचाप बैठा था, तो वो 2-4 मिनट में वो अनुभूति होगी, और उनने फिर उसको अनुभूति को कन्फर्म करा कि यही तो भजन है, क्योंकि भजन का संस्कार था मेरे को, भजन ही बार पूछ गया था और तो कोई जानता नहीं था, और यंग आदमी था, यंग सबसे छोटी उम्र का और अधिकारी बन गया था, सब सलाम वसलम मिलती थी, पर तो कोई दुनिया में भाव नहीं था, शुरू से ज़्यादा चीज़ मिली मेरे को, कहाँ एक और छोटे से गांव में रहने वाला आदमी जंगल में, और कहाँ वो एकदम अधिकारी बन गया फौरन, तो लाइफ चेंज होगी ना। तो मेरे को इसकी बात की शायद समझ आ गई, और मैं वो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मैं ज्ञान योग में बैठूँ, मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, थोड़े दिन अक्कर करी, अष्टांग योग पढ़िया, फिर मैं क्या पागल है तुम, ये कहता कि ध्यान डालना करो और इसे आखिर समाधि लगेगी, वो तो समझा ये सब क्या गए, ध्यान डालना करी जो लिखा रास्ता योग, और फिर बाद में अंदर ही आवाज़ आई क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है, ये तो कहता भाई पहले ये करो फिर ये करो फिर ध्यान करो फिर डालना करो फिर समाधि लगेगी, अष्टांग योग आठ तरह का नियम बताए, तो मेरे अंदर ही आवाज़ आई गई तुम बात तो ये बता रहा कि आखिर समाधि लगाओ, तो समाधि तरफ दिन लगा बता दिया मंदिर का रास्ता, क्या कर रहा तुम्हें, तुम रखा कई दिन तक प्रसार करता रहा उसका, ये उसका साधन छोड़ दिया था। फिर मैं गीता रामायण वगैरह इसकी बातें सुनी हुई थी, पर ये लोग जो बात करते थे, और गीता मैंने कभी पढ़ी नहीं, देखी नहीं, सुनी नहीं, तो कहा गीता पढ़नी चली जाए, तो मैं और खुश गीता निकलती थी और इसके लिए लिखा गया मेरे को ऐसे गीता भेज दो कापी, और गीता की कापी आई, तो गीता को खोलिए मैं पढ़ने गया, तो 2-3 चौपाई पढ़ी समझा, मैं वही हो तो गुरुमत है, गुरुमत है सब, ये कहा उसने ये कहा गुरुमत की बात है, चौपाई दो आई गुरुमत का था क्या फ़ायदा शर्माने। फिर मैंने रामायण पढ़ी, रामायण में वही बात, रामायण एक लड़का बोलता था वो, तो बोले आपको पूरी रामायण बता दूँ क्या, हाँ पूरी रामायण बता, बोले रामायण के अंदर आदो राम तपोवनाथ गमनम हत्या मृगम कंचनम विदेही हनम जटायु मंडलम सूरीशम भाषणम बाली निगनम समुद्र तृणम लंकापुरी दाहिनम अदत्य रामायणम, उसने सिर्फ बता दिया बढ़िया रामायण, रावण का था तो बस कथा है रामायण भी छोड़ दी, मतलब बाकी एक दो चीज सबकी पढ़ी है, 2-4 लैंड पढ़ी करके ऐसी मंगाई जहाँ से वैसे, फिर वो राधा स्वामी बाणी का समझ आता थे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर जो कोई महाराज जी सब तो कहते थे राधा स्वामी बाणी में लिखा है, राजता में लिखा है, सार्वत्र में लिखा है, मैं सोचे उनमें क्या लिखा था, देख तो लिया ये कहाँ से मिलेंगे पता था आगरा से मिलेंगे, तो आगरा उसकी चीज़ लिखी और अपना प्रॉब्लम मेरे घर भेज दिया, पार्सल करके 3 पुस्तक भेजी हमने, एक तो भेजा सार शब्द,
जिसका दो भाग है, नज़म और नसर। नज़म तो कहते तो कविता में लिखा वो, और नसर कहते तो बात से तरीके से लिखते वैसे लिखा, वो पूरा देखा पढ़ी मैंने थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ी, ज़्यादा ही पढ़ी, थोड़ा स्वाद आया, पढ़ता गया सब ठीक, एक बात है वही बात वही बात सबका सब देखा। और देखने बाद फिर ये सब देख के मैंने कहा सब तो वही बात है, सब धर्मों वही बात है, और बुराई करने का क्या मतलब है, ऐसा से मन से आवाज आई, बुराई आई कोई बात ही नहीं, सब महात्माओं ने ज्ञान दिया ठीक है। आदिकाल में मनुष्य को जितना ज्ञान था दिया ब्राह्मण मनुष्य शुरू से, मनुष्य सुखी का एम ऑफ जब क्या था कि मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, ये जिंदगी में हमेशा स्माइली फेस कैसे रह सकता है, तो वो समझ आई हो जो सब चाहे उसको ज्ञान हो जाएगा ये क्यों हो रहा है ऐसे होगा। फिर सिख हुआ ग्रंथ साहब पढ़िया, और ग्रंथ साहब के सत्संग से सिख हुए, सिख अपने गुरुद्वार में जाते थे, हिंदू कहते थे चलेंगे, संडे को होता था ना वो तो सिख हुई बाड़ी मुनी सुनी बाड़ी सुनी, फिर वो ग्रंथ साहब को पढ़िया कही तरह से। कहने का मतलब यह था ऐसे वो नहीं आया, ये ज्ञान से बताता हूँ कि कहाँ से बस ऐसे उपचार इसके अंदर आ गया, संस्कार से आया, ये संस्कार थे नहीं, वो संस्कार बनते गए, देखता गया वो एक ही संस्कार, वो संस्कार काम कर रहा है, संस्कार ही काम कर रहा है। तो एक दिन गया फिर जो अपना पंडित फकीर जी का ज्ञान कैसे आया, पंडित फकीर जी ने देवी चंद मित्र को बता दिया, कई इस आदमी को तो ऐसे करना, मेरा सत्संग होते ना उसकी एक कॉपी निकलती अलीगढ़ से, वो अपने दत्तदयाल के नाम पर निकालते थे, शिवपुत्री का कुछ नाम था उसका, तो शिवपुत्री का निकलती थी वो, उसमें इनका सत्संग आता था, तो वो पत्रिका मेरे को फौज में मिल जाती थी, और वो पत्रिका में और भी आते दत्तदयाल का सब जो स्वामी जी का वो आता था, मैं सिर्फ पंडित फकीर जी का सत्संग पड़े, दो पत्रिका आते थे, तो दो पत्र दो आता कभी तीन आने लगे, फिर कभी एक आता था ऐसे, बस सत्संग पढ़ता हूँ। सब जो पंडित जी ने कहा जो कुछ बताया वो सब का से मेरे समझो कंठस्थ रहा, पंडित जी ने जो कुछ कहा सत्संग में। तो अब लोग जो बात करते हैं पंडित जी के कोई शब्द गाते हैं तो वो कहते हैं ये नहीं ऐसा है, मेमोरी बनी रही होगी। पत्रिका आने से पहले मैं दो बार पढ़ लेता था, और पता ही चला कैसे महाराज इसका क्या नाम बदल दूँ, क्या क्या नाम ले दूँ किताब का सत्संग को, ज़्यादा लिखे नहीं है उनके सत्संगों का ही किताब बनाई, जैसे हम लाए नहीं मेरे किताब से, तो वैसे उन्होंने सत्संग से बनाई कुछ लिखा, उन्होंने हिदायत नामा वगैरह आज़ादी की कुंजी ऐसे शब्द लिखे, पंडित किसी ने लिखे, फिर 1914 में मारकोट उसके बारे में लिखा आज़ादी कुछ ऐसे, तो कुछ इंप्रेशन पहन वो हाथ से लिखे, बाकी ज़्यादा पुस्तकों ने सत्संग कराया कि करने का पूछते क्या क्या नाम दो इस पुस्तक का, ये नाम दे हद से पढ़े वेद से पढ़े ऐसे ऐसे नाम चमकदार मोती, ये गुरु ने लिखे ना नाम पर जितने कहानियाँ लिखे किसे चमकदार मोती धमकदार मोती रुद्रा मोती राजस्थान ऐसे उसका नाम दिए हमने, तो इन्होंने उनकी नकल से मुताबिक दो लिखा। मतलब कहने का ये कि ये ज्ञान कोई एक चीज़ से नहीं था, ये सब महात्माओं का एक या दो पूरी चीज़ें देख ली अति खंडा देखता हूँ हाँ भाई ठीक है, तो सब करने से वो अनुभव होता गया अपना आप, ये बात भाई बात भाई। तो रामायण की दो एक चौपाई पढ़ी मैंने, दो या तीन पता नहीं, और वो समझा को सुबई गुरु मत, तो सदगे मेरे को ये आया था गुरु मत है गुरु मत कोई भाई ज्ञान गुरु फिर आ गया। तो एक दिन माँ जी बताने का सार ये है कि एक दिन में अचानक कुछ नहीं होता है, और आनंद है तो क्या है वो आनंद बताओ है किसका आनंद है, सिर्फ तो ज्ञान जैसे वो बुद्ध है तो बुद्ध ने ज्ञान बताया नहीं, वो कहता है ऐसे बराग हो गया छोड़ गया चला गया, ये कह हिंदू धर्म में जगह थी तो इसको उतार कर हम दे दिया, हिंदू धर्म ने जितने विचार कभी थिंकर वही लिखे थे तो उनको खंडन नहीं कराया, उनका नाम दे दिया और दिखते रहे। तो ये जितने भी शास्त्र लिखे हैं सब कुछ ये मनुष्य लिखे हैं, और मनुष्य के जैसे बुद्धि जैसे थी एकाग्र होकर लिखे हैं, जैसे भाव अजानों में लिखा वो अपना लिखा, उसे जो अनुभव की बात वो अपना लिखा वो सब सत्य नहीं हो सकता, उसके लिए ठीक था वो उस समय के लिए ठीक था, अब वो सगड़ी कथा करने की जरूरत थी। कहने का भाव यह कि पिछली चीज़ों को दोहराने की जरूरत नहीं है, अभी शॉर्टकट ही है आदमी सिर्फ केवल कलियुग के संतों को पढ़ ले
पीछे थोड़ी छोड़ दे, पहले क्या होता था, तब क्या मशीन, ये क्या मशीन आ गया, उसका कथा ही है सब, ऋषि ने चाहे तब क्या ये क्या उसका ये फोड़ा, लड़कमला कहती है ना, कथा से बात साफ हो जाती है, बात तो ठीक हो जाती है, जगह नहीं मेरे पास कथा करने की, फिर वो टाइम नहीं होती आपको देने की, टाइम नहीं होती मेरे को, मैं चाहता हूँ कि इस बात होता हूँ, देख फिर मैं सोचता हूँ इनको तैयार नहीं कराए क्या, एक दो टेस्ट उठा बुलाओ, ठीक है नहीं मेरे को देने, अर्पण फकीर सिंह जी किसी को देते नहीं थे, सिर्फ जानते चाहते थे कि क्या ज्ञान इसको, वो सत्संग स्टेज पर उनको बताते थे, गुरुवाई करते थे उनको, जो गुराई करते थे उनको बुलाते और उनको सुनते थे कहाँ हैं, तो उनको जब देखते थे तो पता लग जाता मन के अंदर पर, कभी फिर अपना अनुभव बताते थे पता लग जाता था। अब ये जो कृपाल सिंह है इसके बारे में दत्ता जी ने बताया था कि फकीर इस बात तो सच्चाई बताने के लिए ये है जो मैं बता नहीं सकया, एक तो इस पूछ नहीं आती अपना दुख दुनिया का लेके आते, तो जो पहली बात मैं बताता हूँ दुनिया दुख इसे ही बताता हूँ, लोग कहते हैं भाई बात वही बात कि दुनिया का दुख है आदमी को, और वो दुख जब तो उसका है मानेगा तो आगे जाएगा कहाँ वो, तो वो कहता कि भाई बात फिर इधर कहता हूँ, कभी मन का खेल है विचारूँगा, खेल है विचारूँगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, इस विचार से दिया इस से हर सत्य में फैल जाता हूँ, उसकी ज़रूरत ही मेरे को जाने की, तो सत्य का तो अनुभव करना चाहिए, पर वो करने से फ़ायदा क्या, उनकी तकलीफ तो दूसरी है, आम आदमी जितने सत्संग बैठते हैं वो दुनिया के काम से दुखी हैं या ज्ञान, तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा ज्ञान है बोल आदमी, और क्या ज्ञान है बोले दुख सुख कह दे दो, सुख तो क्या है दुख क्या है, तो ये सत्संग किताब में जो दिया है, दिया तो पहले भी रखा है बहुत क्लियर करिए, इसमें जोर दिया पहले ही पाठ में किया, क्योंकि ये पहला ज़रूरी है, जैसे वो मैं कहता हूँ गणेश पूजा ज़रूरी हुई, क्या है वहाँ नाम ले दिया कितना सुंदर, गणेश पूजा पहले करो और बाकी पूजा बाद में, कितना सुंदर नाम दिया, और बात ये थी कि सुबह के टाइम पेट खाली करो, और गणेश का जो बासा है वो गोदाम होगा, तो एक समझे नहीं को समझे सारा गणेश का बासा गोदाम है, और ये गणेश बात ये फिर मेरे आ गया, अच्छा आप ये करो आप ये करो, तो वो जो बता रहे थे वो पुरानी है सैन में बताया इन्हें, और वो सैन मेरे समझा, ये तो निश्चय देने की बात है, मन की बात है, शरीर की बात है, शरीर के विषय में करे इसका देवता का नाम रख दिया और इसका बता दिया, ऐसे ऐसे जो इसी बातें सबकी से मेरे समझाई, देखने से सुनने से प्रैक्टिकल और करने से समझाया, तो पूरा ज्ञान जो एक सुनने से एक केवल साधने से नहीं आया, साधन मेरे मन में थे वो बताइए सामने, जो संस्कार दिए वो सामने आए, बाहर से तो कुछ नहीं आया, जो मैंने इस जन्म में किसी जन्म में माँ के पेट में जो सुनी बातें थी वो उनको अच्छी लगी तो इसका कर्म बन गया, और वो अगर उनको घटिया लगी तो भी इसका कर्म बन गया, और वो सोचती रही और वो बच्चे कहने न्यूज है, तो जो कुछ पीछे का संस्कार है वो हैं सामने, जो आपका आता ध्यान आप करते हो और जो आ जाता है वो आपका संस्कार है, वो सत्य नहीं है, तो जो जितनी मन के अंदर विचार आते हैं वो सब सत्य नहीं, और सब विचारों को अगर आप ग्रहण करोगे तो ठीक नहीं होगा, सत्य नहीं, सत्य क्या है वो जिसकी आपको ज़रूरत है इम्पोर्टेंट अभी कैसा करना चाहिए, वो सत्य जैसे आप अब दिल्ली जाना है और आपको पहले प्रोग्राम है तो सत्य तो आप दिल्ली आप पहले हम रखो, ये मतलब क्या है कि वो संतुलित ने कहा बोलिए तो तब जब बोल में कि शुद्धि हो, नहीं तो मुख बोल वो चुप होगी रही, खड़ी भाषा बताइए पहले पहली आवाज़ जो थी खड़ी भाषा में आई नहीं तो ये बताइए, इसी तरह से कहते वॉक टू दी पर्पज और कहीं चलना तो पर्पज से चलो, टॉक टू दी पर्पज आता जा रहा है मतलब तो बात करो और वर्क टू दी पर्पज किसी पर्पज के लिए काम करो, पर्पज जिस करेंगे वो क्या क्या काम करें, तो ये छोटे छोटे से नुकते हैं, नुकतों के अंदर ज्ञान है पूरा, तो मैंने आज आपको बताया कि मेरे को ज्ञान ये उड़की नहीं होया, इसी जरूर बताई गीता भी पढ़ी है रामायण पढ़ी है, जिसने कहा वो ये है ज्ञान का वो चीज़ मंगाई मैंने नहीं और नहीं मंगाई पड़ी, पर नहीं पड़ी थी मेरे पास काफ़ी दिन तक वो ही मिले, आखिर मिशन है मानव दाल जी बताया कि जो भी पंडित फकीर सिंह जी का ज्ञान है पर चिट्ठी पत्र कोई आपको निशानी है कोई बात की ज्ञान की तो मेरे को चिट्ठी लिख दो, जो मैं ये किताब जो लिखे ना तो वो सुन डाल दूँगा, उन्होंने पत्र पत्र सब दे दिए, उन्होंने कुछ पत्र दो चार की बात लिखी है और बाकी कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने दे दिया, अब मैंने क्यों दे दिया कभी चला सफाया कर दिया, ये को नहीं कहा मैंने क्यों दे दिया, मैंने सर्टिफिकेट देने को नहीं, कल का सत्संग था
गुरुमुख जी ने बताया जो अपने गुरु महाराज सत्संग दे रहे थे हुशियारपुर में, तो मैं रोज पूछता हूँ कि वो जो सत्संग देते हैं उस रिकॉर्ड कर जाएगा, मेरे को बताएगा। अरे ऐसे कर महाराज जी के नज़दीक होगा, सेवा करेगा। तो उसने वो सत्संग बताया, फिर महाराज जी ने मेरे को काश मिल लिया, बस मेरे को सब ज्ञान मिल गया। महाराज जी ने उसके घर के बाद में फिर मेरे को कहा, मेरे महाराज मैंने वो बताओ, तो वो बताने गया, मैं पूरा पढ़ गया, महाराज जी ने काश ले लिया और मेरे को सब ज्ञान हो गया। फिर सोचा उन्होंने टच दिया मेरे को, ध्यान जाने की वो बात ही करनी थी, ऐसा कोई ड्रामा करते नहीं थे वो, ऐसा मैंने देखा हम पाया नहीं, अलग इसके साथ गया उस बारे में। तो झूठ बोलते हैं आधी से ज़्यादा, अभी झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल से। अब फकीर को करा तो फकीर के साथ तो बातें करते, तो मैं तो बेगुत हो गई हूँ, अब उसके सच का क्या पता, सच वो मर गया कि वो जो कल का सब पढ़े है ना उसने, वो पूरा मेरा कहीं किताब लिखा हुआ है, पता नहीं चौदहवीं में लिखा हुआ है, सत्रहवीं में, और जैसे हु हुआ वही तो गया और वही लिखा जैसे वो दिखा, और वो बोलता क्या फिर नाम होता है, फिर महाराज जी के पास ये दो गया, तो मैं महाराज जी को ये मैंने दिखाया, महाराज जी ये दो महाराज जी ने काख में लिया मेरे को प्यार से, अड्डिया मेरे को सब ज्ञान हो गया उसके, बस यार सब ज्ञान ऐसे हो गया। ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है कि काख महाराज देता है जाता, ऐसा कोई ज्ञान जैसे मेरे को अनुभव तो होता है, उनकी रेडी सुनती पता नहीं उनकी थी कुदरती, मुझे ये भी पता नहीं, उसके अंदर पहले से था, अब मैं उसको भी कह उनकी थी पता नहीं किसी, उनकी रेडिएशन मानता हूँ, क्यों कि गुरु मंत्र में कोई सहारा देना पड़ता है बताने के लिए, तो रेडिएशन से यहाँ पर इधर का साधन था। अब इसे कोई चर्चा नहीं करता, मैं चर्चा करता हूँ तो जो आदमी गौर करते वो कहते इसको एक मिनट हो गया, तो मेरे को बोले मेरे को तो वो जैसे आपको वैसे कर दो, आपको ज्ञान वो मेरे को वो कर दो, इस बात से कई बात करते। तो इसका कल कल का सत्संग सुना तो एक पूरी मेरा सत्संग है अय्या ही मेरी किताब में लिखा हुआ है, वो पूरी की पूरी हुआ हो नकल, वो करके नकल, फिर आखिर में उसको बुद्धि कराया कि मेरा ज्ञान कैसे हो गया, फिर महाराज जी ने मेरे को ऐसे खुश छाती लगा दिया, अब सब ज्ञान मेरे को आ गया। मैं भी कभी कहता हूँ कही हूँ कहा जब मेरी साथ छिक लग गया तो ज्ञान जाएगा, कहते संस्कार देता हूँ, ऐसे छाती लगाने से होता तो दुनिया को जाता, मिसाल करंट की देता हूँ, तो रेडिएशन का फर्क है देखने से कोई शक नहीं। तो ये बात नहीं कि एक मिनट में क्यों हो जाता, जो टाइम पर जो होना है टाइम लगती है। और चैन में पूछ रहा हूँ साधन करते हो, हाँ क्या क्या साधन करते हो, हिंदू सन्यासियाँ पूछा बुद्ध के शिष्य जो थे उनसे कि भाई तुमको क्या ज्ञान था, बोले उसे गए थे महाराज उनको ज्ञान हो गया था, मेरा ज्ञान क्या क्या है, पूरा अंध है उसमें और क्या है, अंत के अलावा क्या चीज़, तो अंत तो बहुत नीचे की चीज़ है, ज्ञान का अंध आनंद तो एक अवस्था बनती है आदमी की मन की, खिलता वो आनंद देता है जिससे स्वाद आता है। खाना खाते में कभी कोई आते हैं सब्जी में कहता हूँ बस आज मेरे मतलब ही थे, तो दो चार टूक ज़्यादा ले जाता हूँ और फिर उसका रिएक्शन होता है, अब समझेगा नहीं। तो आनंद तो एक चीज़ आनंद है, वहाँ भी आंधी भी है, जहाँ आनंद होगा वहाँ भी आंधी भी होगी, ना होगा तो भी आंधी आएगी, जहाँ आनंद आनंद कुछ है ही नहीं वो चीज़ जाना हमने उसके पास, उसमें आनंद है ना भी आंधी है, न जिंदगी न मौत, वो एक अवस्था जी का पता नहीं क्या है। जब कुछ बराबरी हो गया तो गरी दिन बराबर होता है, हालांकि हरी दिन प्राकृतिक समाधि है सबकी, अब उसका नाम तो कट करो कौन करेगा, इसको को कट तो करके दिखाए भाई गरी दिन में तुम्हारी वही हाल, तो जाए किसके पीछे बचते हो कहे ना, वो तो जी बहुत तो मुश्किल है, भैया क्या मुश्किल है, मिनटों का काम है वो, एक तो कह रहा है जिसको लगन होती है पल मिल जाओ शनि की तलाश, जिसको तलाश हो चीज़ की फौजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश, और फिर आकर पुलास कहाँ निकल दी ताकि ये तो है विश्वास, आप बेस आ लो विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, खेल इस विश्वास का, और जो फल मिलता है विश्वास का मिलता है, विश्वास पड़ता है। तो ये ज्ञान एक दिन में नहीं आता है, किसी को जल्दी आ जाता बुद्धा है लड़का तेज है, अब नंबर तो सभी लेते हैं, कोई पढ़ाई के बाद 100 नंबर है, कोई कानून वानों में लेता है वो तो टॉपर है, वो पहले कि उनके सिर पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा पर कई बार जलमा पड़े रहा है, और कोई जो है वो थोड़ा देता है, और कोई बिल्कुल और कोई सुकून के साथ ही पढ़ता वो, और उसके पल्ला पास भी कोई नहीं हो पैसे मार कोई नहीं हो, समझेगी ना बात। तो ये है कि सब आदमी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करते, तो मैंने अपने ज्ञान के सार बताने की कोशिश करिए टूटे फूटे शब्द संक्षेप में आज के सत्संग में, क्योंकि ज्ञान की चर्चा कर रहा था मैं, इसका सार जो क्या है, सार ज्ञान का ये है कि वो समझ आ जाए उसके बाद दुख सुख वगैरह कुछ हो कब उस अवस्था में रहता है, कैसे कहिए
तो सोचता जगत हुआ है, वहाँ तो कुछ है कोई नहीं, कोई यहाँ का पर्पज है। तो इसका कर्म का कर्म योग बता दिया कि तुम्हारे कर्म का फल है। अब कर्म आदमी ने बताया हमने कि तू जा उसके पास विज्ञानी के पास ले जा। हालांकि विज्ञानी के पास बात नहीं थी, बाद में कहना था कि भाई इसमें हो जाएगा ठीक है, नहीं क्यों कि कुछ नहीं होने वाली चीज़ तो नहीं होगी। वो बता देगा इसका तो कोई इलाज नहीं, भेजा उसके पास वो बता देगा इसका कोई इलाज नहीं है, तो तसली गिर बैठ जाएगा, वो धक्का नहीं खाएगा। वो कर्म है, कोई कट है तो उसका कर्म का तो उसको पता नहीं है। वो चाहता भाई ये जो रोगनस ऐसे तो अब इसका तो जुलम का ही है कोई इंतजार नहीं, तो क्योंकि वो सही का मामला है ना, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया। ये नहीं कि वो चाहता इलाज कर देगा, इलाज तो तभी होगा जिसका होने वाला है। और देखो कर्म का भी फिर हो गया तो सारे उसको पता नहीं, वो कहता है ये तो ऐसे चली गिर जाए, ऐसे रंग ही नहीं है, इसकी ज्ञान वाली वो है नहीं, बिल्कुल ऐसे समझ आ रही। लकवा होता है ना तो लकवा सब स्वास्थ्य फुट हो जाता है, और फिर उसको शिकार होश आता है, जीता जीता तो हो जाता वो, उसकी लाइफ देने लग बाकी है। पर वो आएगा क्या चीज़, उसको एक एक चीज़ बनानी पड़ेगी, एक एक चीज़ बच्चा बताते हैं बाबे से बताना पड़ता है। और मैंने इसका पता भी ये सर है कैसे चला था ना वकील, वो भी वो लकवा में रह गया, बस उनको देखता था ऐसे कुछ, तो उसको फिर आजकल शिकायत आ रहा है, ये बताया कि तो ऐसे बताओ। तो शिकायत में तो कोई आदमी बुलाया, फिर उसकी वाइफ जो थी वो थी, फिर उसके लड़की एक वो आई, उनको बताया मैंने कि तुम ऐसे ऐसे रोज करो, अब वो उसको ऐसे करते। तो कहता जी बहुत फर्क पड़ गया, अभी जुबान आई थी और सब मेरे पर विश्वास रखते। बोले महाराज मेरे पास वो थी शीशी थी, आपको प्रसाद आई तो चढ़ा व्रत करके लेती हूँ, वो खड़ी थी तो मैंने कहा ये दे दो, ये दो घूंट तो मैं धीरे धीरे रोजाना में दो घूंट देती। अरे चमत्कार हो गया महाराज आपका, जब बोलने लगे यार खड़े ही खड़े हो गया, तो गया चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, उसे क्या मान दिया इसका किया, इससे फायदा हो गया, फायदा उसको होना ही था। आप समझे नहीं, तो ऐसी कई चीज़ ऐसी है कर्मगति हैं वो होती हैं बड़े, तो वो तरीका है। अब मैं कह दूँ बताओ मैं प्रसाद दिया ठीक हो जाएगा, क्या मैं क्या प्रसाद हूँ, ये तो विश्वास का कोटन में कोई हजारों करोड़ों में कोई ऐसा विश्वास होता है कि ठाकुर का प्रसाद मेरा ही तरह जहर हो नहीं सकता, करोड़ों में से हर उसके बोल लग जाता, दुआ बन जाती है उसकी।